हेलो दोस्तों, आज हम ऐसी जगह आए हैं जो जगह हापुस आम के लिए जानी जाती है। इस जगह का नाम है देवगढ़। ये जगह हापुस आम एक्सपोर्ट करने के लिए जागतिक स्तर पर जानी जाती है। तो चलो अब हम देखते हैं आम एक्सपोर्ट करने से पहले क्या क्या प्रोसेस किया जाता है। और हाँ, इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहे। यहाँ पे आप देख सकते हो आमों को कैसे हाथों से निकाल के टोकरी में जमा करते और रस्सी के द्वारा टोकरियों को नीचे उतारा जाता है। इस तरह आमों को उतारने से उन्हें हानि नहीं पहुँचती और वो खराब होने से बच जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ आमों को उतारने के लिए हमारा हाथ नहीं पहुँचता, वहाँ एक लकड़ी और जाली के माध्यम से आमों को हल्के से नीचे उतारा जाता है।
हेलो दोस्तों, तो अभी बज चुके हैं शाम के 6 और अभी कड़ी धूप में आम उन्होंने निकाल तो लिया है। अभी उनका नाइट का काम चालू होगा जिसमें सॉर्टिंग की प्रोसेस की जाती है, जिसमें छोटे आम और बड़े आम दोनों डिवाइड किए जाते हैं और उसके हिसाब से फिर पैकिंग की जाती है। तो चलो जाते हैं और देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो आमों को किस तरह से पैकिंग की जाती है। सबसे पहले बॉक्स में एक घास का लेयर डाला जाता है, फिर उसे पेपर का यूज करके ढका जाता है, फिर उसमें आम का एक लेयर रखा जाता है, फिर उसके ऊपर और एक पेपर का लेयर, फिर सेकेंड घास का लेयर, फिर से पेपर से ढक के उसमें आम का सेकेंड लेयर पैक किया जाता है। तो दोस्तों अभी सॉर्टिंग तो हो गया और अभी उसको केमिकल लगाएंगे क्योंकि उसको मार्केट में जाते जाते 4-5 दिन चले जाते हैं। तो अगर उसको केमिकल मारेंगे तो तब तक वो पकेंगे नहीं और आप तक कच्चे और रसीले आम मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो जब आम को दूर एक्सपोर्ट करना हो उससे पहले वो पके ना, इसीलिए उसे केमिकल में डुबाया जाता है। अच्छे और रीजनेबल आमों के लिए डिस्प्ले किए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।